नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में मैं रूही। अब खबरें हिमाचल प्रदेश से। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को मंडी के पंडल मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हमीरपुर, बिलासपुर व कुल्लू के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को पद व निष्ठा की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को मंडी के पटल मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और कुल्लू जिलों के नव निर्वाचित प्रधानों एवं उप प्रधानों को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलवाई। इन जिलों के 2090 नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को 195.39 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्विरोध चुनी गई प्रत्येक पंचायत को 10 लाख रुपए का विशेष विकास अनुदान प्रदान करेगी। इस पर 11.4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे निचले स्तर पर विकास की गति को तेजी मिलेगी। उन्होंने खुशी जाहिर की कि प्रदेश में 114 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस महान पर्व है, चुनाव भी पर्व से कम नहीं होता है, और आज ग्राम पंचायत उनको विधिवत रूप से शपथ दिलाई गई है। जब आप आए थे तब आप चुने हुए थे, आज शपथ के बाद अब आपको कोर्ट से जो है आपने अपना पद ग्रहण किया है, इसलिए आपको बधाई देता हूँ। ये प्रजातंत्र है, यही एक प्रजातंत्र का स्वरूप है, और हमारे देश अंदर और खासकर हमारे प्रदेश में जो प्रजातंत्र है, सिर्फ ये एक स्लोगन नहीं है, बल्कि ये यथार्थ में कार्यान्वित हुआ है। जनता ने अपनी आवाज दी है, अपना फैसला दिया है, और उस फैसले के सामने सारा समाज, सारा प्रदेश जो है उसको स्वीकार कर। मुझे खुशी है कि इन चुनाव के अंदर, चाहे किसी जिले में भी हों, सारे चुनाव जो हैं बहुत प्रेमपूर्वक बिना किसी चल। इस अवसर पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को शपथ दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन संस्थानों को स्थानीय शासन की मजबूत इकाई मानती है और ये विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में कार्य करने में एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर उभर कर सामने आई है। कांगड़ा के नूरपुर के अंतर्गत आने वाले घुनो पंचायत के नव निर्वाचित प्रधान के घर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता याकूब खान ने बताया कि इन पंचायत चुनावों में उनकी पत्नी प्रधान चुनी गई थी, लेकिन विरोधी इस हार को पचा नहीं पाए। कांगड़ा के नूरपुर के अंतर्गत आने वाली घनो पंचायत में नव नियुक्त प्रधान के घर पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता याकूब खान ने बताया कि इन पंचायत चुनावों में उनकी पत्नी प्रधान पद के लिए चुनी गई है और इस हार को विरोधी पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कल रात अपने किसी रिश्तेदार के घर गए थे और उनके घर में कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर बरसाए। इसके साथ ही गंदी गालियां व धमकी भी दी। पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इसे लेकर थाने में रात को फोन किया तो वहां से उन्हें लिखित में शिकायत दर्ज करने की बात कही गई। उन्होंने विपक्षियों द्वारा किए इस हंगामे को हिंदुओं और मुसलमानों में द्वेष पैदा करने की कार्यवाही बताया। 10 से 15 आदमी वहाँ पे आए और उनके पास हर हथियार वगैरह थे और उन्होंने हमारी शांति भंग कर रखी और हमें जान का भी खतरा हो गया। तुरंत मैंने थाना को फोन किया, थाने वाले उन्होंने भी हमें ये बोला कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे दो, और ये एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, और ये बहुत बड़ी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। पूर्व विधायक राकेश पठानिया ने इस घटना को बहुत ही शर्मनाक करार देते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा दो समुदायों के बीच धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसमें एक नव निर्वाचित प्रधान के घर पत्थर बरसाए गए। पठानिया ने कहा कि अगर इस घटना पर जल्द ही पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो वे NH जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। महसूस करो कि हमारे मुसलमान भाइयों को, मिनोरिटीज को यहाँ पे कांग्रेस सरकार के अंदर दबकाने का या जो ये प्रयास किया जा रहा,
इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कल तक अगर हमें नहीं मिला तो हम इसके ऊपर अगली कार्रवाई करने वाले हैं। हो सकता है नेशनल हाईवे जैम करें, धरना दें, पर अब ये बात यहाँ पर रुकने वाली नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि तुरंत, जैसे हमें सवेरे कहा गया 1 घंटे में आप कार्रवाई करेंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि प्रशासन के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। वहीं DSP नूरपुर महेंद्र सिंह मन्हास ने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव के अपना काम कर रही है और जल्द ही इस घटना के दोषियों को गिरफ्तार कर मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। रंगल का लोकल जो घाट तालाब की रहने वाली है उसकी बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 4 लोगों के खिलाफ ये केस रजिस्टर्ड हुआ है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन 4 लोगों ने रात को नशा करके हुड़दंग मचाया हुआ था जो कि लोकल लोगों की दुकानों के बल्ब वगैरह तोड़े गए हैं और जो बल्ब तोड़े गए हैं इसके अलावा जो भी इस जांच में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जो भी पाया जाएगा वो सही तरीके से इसकी फ्रीली स्वतंत्र रूप से इन्वेस्टिगेशन। शुक्रवार को सोलन की SDM एकता कावत ने सोलन नगर परिषद के नव निर्वाचित नगर परिषदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में 15 पार्षदों में से 14 पार्षदों ने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उनका कहना है कि चुनावों के दौरान उन्होंने जो वादे किए उन्हें वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। शुक्रवार को सोलन में SDM एकता काप्टा ने सोलन नगर परिषद के नवनिर्वाचित नगर परिषद पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में 15 पार्षदों में से 14 पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। SDM एकता काप्टा ने नवनिर्वाचित पार्षदों को शुभकामनाएं दी और उन्हें आने वाले 5 सालों के लिए काम करने की सलाह दी ताकि सोलन शहर में प्रगति हो सके। शपथ ग्रहण के बाद सिटी चैनल से बात करते हुए नवनिर्वाचित नगर परिषद पार्षदों ने कहा कि चुनाव के दौरान जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही समर्थन के लिए जनता का आभार जताया। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी भाजपा वालों का जिन्होंने हम पे विश्वास जताया और हमें वार्ड से खड़ा किया, प्लस वार्ड के सभी मेंबर्स का, सारी जनता का जिन्होंने इतना समर्थन देके हमें जिताया। थैंक्स टू ऑल। कि जो भी हमारे वार्ड में काम है और जो काम पहले किए गए हैं उन कामों को मैं पूरी तरह से मेंटेन रखूंगी और जितने भी हमारे काम हैं मैंने पहले अपील दी थी उन सभी कामों को मेरा पूरा करने का भरपूर प्रयास रहेगा। मैं पहले इसी पूरे शहर से उपाध्यक्ष चुना गया था और अब मैं पार्षद बना हूँ वार्ड नंबर 8 से। तो इस वार्ड में जो बहुत समस्याएं 15 साल से लगातार चल रही थी उनको निदान करने के लिए जनता के सहयोग से सभी काम करवाए जाएंगे, विशेषकर शूलनी नगर का रास्ता, शक्ति नगर में नालियां और गलियां और जो रास्ते हैं उनकी बुरी हालत है, स्ट्रीट लाइटों का बहुत बुरा हाल है और शिल्ली रोड जो माता शूलनी मंदिर के रास्ता जाता है वो सारे रास्ते में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। वहीं SDM सोलन एकता काप्टा ने बताया कि जिला परिषद के 15 में से 14 पार्षदों को शपथ दिलवाई गई है। उन्होंने बताया कि 23 तारीख को सुबह 11 बजे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जो चुनाव करवाए जाएंगे उसकी जानकारी भी पार्षदों को दी गई है। 14 पार्षदों ने शपथ ली है। एक पार्षद जो है हमारे वो किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं थे, उनकी जो शपथ है वो हम आने वाले दिनों में ले लेंगे और आज हमने सभी पार्षदों को ये भी बता दिया है कि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन है वो हम 23 जनवरी को करेंगे, 11 बजे उसकी बैठक बुलाई जाएगी और उसी दिन ये चुनाव होगा। प्रदेश सरकार चाहे बेहतर स्वास्थ्य के कितने भी दावे कर ले लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बात अगर प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान IGMC की करें तो सफाई की बदहाली की वो तस्वीरें सामने आती हैं जो इन वादों पर सवालिया निशान उठाते हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में फैला ये गंदगी का आलम यहाँ पर बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दावों की पोल खोल रहा है। ये गंदगी जो आप देख रहे हैं ये अस्पताल के ई ब्लॉक की है जहाँ प्रदेश भर से स्वाइन फ्लू के मरीज उपचाराधीन हैं, लेकिन इस ब्लॉक की टूटी फूटी दीवारों में रच रहा सीवरेज का ये गंदा पानी इन मरीजों के लिए कितना घातक साबित हो सकता है इसका अंदाजा लगता है शायद अस्पताल प्रशासन को नहीं है। यही नहीं, सबसे खतरनाक स्थिति यहाँ पैदा हो रही है जहाँ टूटी फूटी सीवरेज की पाइपों के साथ पीने के पानी की पाइपें भी सटी हुई हैं और पीने के पानी को दूषित कर रही हैं और ये मरीजों की दिक्कतों को और बढ़ा सकता है। समस्या यहीं खत्म नहीं होती, इस वजह से फैली गंदगी का आलम माहौल को दुर्गंध भरा भी बना रहा है।
हैरानी यहाँ इस बात पर भी है कि ये समस्या आज की नहीं है, पिछले 2 साल से यही आलम है और अस्पताल प्रशासन की नाक के नीचे ये समस्या होने के बावजूद इस लापरवाही की जवाबदेही किसी के पास नहीं है। आइए देखते हैं आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस कौशल का इस बारे में क्या कहना है। ये आपने मेरे नोटिस में लाया है, आई विल एग्जामिन माई सेल्फ और पीडब्ल्यूडी अथॉरिटीज़ को भी मैं बोलूँगा कि प्लीज़ लुक इनटू इट, कोई भी अगर ऐसे पानी का या कुछ और है तो मैं इमीडिएटली उनको आई विल आस्क देम टू गेट इट रेक्टिफाइड, विल लुक इनटू इट एंड उनको इमीडिएटली मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर दूँगा कि ये देखें और उसको रेक्टिफाई करें जल्दी से जल्दी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जहां प्रदेश भर से लोग अपना इलाज करवाने आते हैं और जहां हर हाल में सफाई का महत्व होना ही चाहिए, वहां इस अस्पताल में फैली गंदगी के बारे में मीडिया द्वारा ही समय समय पर अस्पताल प्रशासन को अवगत क्यों करवाया जाता है, प्रशासन खुद इस बारे में जागरूक क्यों नहीं होता। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार भी न्यूज अलर्ट जारी है, बने रहिए न्यूज अलर्ट के साथ। आपके अंग शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर संपर्क करें, डेलसोल ब्यूटी पार्लर, ऊना रोड, अपस्टर ओबीसी बैंक, आम डिस्ट्रिक्ट ऊना, 8894656340, 9816856340। शिमला में फैले पीलिया के मुद्दे पर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीरेंद्र गावर ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यदि हिमाचल सरकार शिमला में फैले हेपेटाइटिस व पीलिया के मुद्दे पर कार्य करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहती है तो इच्छा शक्ति दिखाते हुए इसके लिए सर्वप्रथम दोषी मल्याणा सीवरेज के ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार करें। शिमला में फैले पीलिया के मुद्दे पर शुक्रवार को प्रेस सम्मेलन का डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पवार ने हिमाचल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यदि हिमाचल सरकार शिमला में फैले पीलिया के मुद्दे पर कार्य करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहती है तो इसके लिए सबसे पहले दोषी मलियाना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि ठेकेदार पर FIR दर्ज होने के बावजूद आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ये सरकार की मंशा और ठेकेदार को बचाने की उनकी मंशा को सीधे तौर पर दिखा रही है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न स्रोतों से खासकर मलियाना प्लांट से छोड़े जा रहे पानी और अश्वनी खड से लिए गए पानी के नमूनों की जांच के लिए पुणे स्थित लैब को भेजा जाना चाहिए और ये पानी के नमूने दोनों यानी नगर निगम और प्रदेश की आईपीएच विभाग को मिलकर उठाने चाहिए ताकि पारदर्शिता रह सके। अभी फिलहाल जब तक पानी के नमूनों की जाँच की रिपोर्ट नहीं आती तब तक अश्वनी खड से पानी की आपूर्ति को बंद किया गया है। टिकेंद्र पवार ने कहा कि नगर निगम का मुख्य कार्य लोगों के हित में कार्य करना है और लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए, ये निगम की मुख्य जिम्मेदारी है जो हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। हुआ है जॉन्डिस का, ये करीब 600 मामले सामने आए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसको 7 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3-4 हज़ार से ऊपर है और 45 लोगों को जो बताया जा रहा है कि उनको टेस्ट किया पॉजिटिव। लेकिन चिंता का विषय ये है कि ये बहुत ही शर्मनाक है क्योंकि ये बहुत ही बैकवर्डनेस की निशानी है और पूरे दुनिया में जब बरसात में फैलता है पीलिया, हमारे यहाँ पर बरसात ख़त्म होने के बाद पीलिया फैलता है, तो उसका कारण जो बार बार कहा जा रहा है कि जो एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है जिस वजह से ये इफेक्ट करते हैं। 2011 में एग्जैक्टली इसी तरह से जब हुआ था तो पूरा आप ही के मतलब पत्र प्रेस के माध्यम से सामने आया था कि वहाँ ये बदलाव किए जाएंगे, लेकिन जिसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन लगाना है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा करना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है, लेकिन अभी तक कोई कुछ भी वहाँ पर 5 साल बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आँख तब खुलती है जब लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है। और आप जानते हो हमने FIR की, उस FIR पर भी ज़्यादा कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि ये सीरियस मैटर है, ये उसी तरह का मैटर है जिस तरह सा एक नकली शराब पिलाकर लोगों को मारना है। राजधानी शिमला की सब्जी मंडी में पिछले दिनों लगी आग का मलबा अभी भी सड़कों पर देखा जा सकता है। इस घटना को एक सप्ताह बीत चुका है लेकिन मलबे के ढेर जू के तू बने हुए हैं और लोगों को आवाजाही की भी मुश्किल हो रही है, वहीं बाजार में भी गंदगी का आलम देखा जा सकता है। शिमला के लोअर बाजार में हाल में ही हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रभावित अभी तक सामान्य अवस्था में नहीं लौट पाए हैं। अग्निकांड से जली दुकानों व मकानों से इकट्ठा हुआ मलबा अभी भी सड़क के किनारे बिखरा देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय लोगों को पैदल चलने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, मलबे को ठिकाने न लगाने के कारण सब्जी मंडी के साथ लगती गलियों में अव्यवस्था का आलम है। बीते कई दिनों से पड़े इस मलबे से दुर्गंध आने की स्थिति में यहाँ स्थित दुकानों के कारोबार पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सिटी चैनल से बात करते हुए यहां के दुकानदारों ने कहा कि मलबे के चलते ग्राहकों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। यही नहीं, मलबे से फैली गंदगी और दुर्गंध के कारण बीमारियों के होने का भी खतरा हो गया है। मैंने देखिए, यहां सब्जी मंडी में आग लगे 7 दिन के बाद भी अभी जब कचरा मलबा यहीं पड़ा है, इससे बीमारी फैलने का बहुत खतरा है। हमारी प्रशासन से अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द साफ करवाए। मेरा नाम मनोज शर्मा है, हमारी दुकान ये जो सबसे बिजली की दुकान है और ये पूरी मार्केट के लिए काफ़ी हो चुका है। आजकल जैसे पीलिए की वो फैली हुई है तो उसके लिए ये काफ़ी वो है, खतरनाक है हमारे लिए और लोगों के लिए। आग का जितना भी मलबा है यहाँ हमारी दुकानों के आगे फेंक दिया गया है और हमें फिर भी डर है कि इन द्वारा आग ना लग जाए। आपने अभी देखा ही है पीछे कितनी लकड़ों का ढेर लगा है, बाई चांस कुछ ऐसी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए तो कौन आएगा। गंदी स्मेल आ रही और स्मेल इतनी हो गई है हफ्ते से यहाँ बैठे खड़ी और आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना कूड़ा इतना गंदा हो चुका है, यहाँ पे इससे स्मेल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा हमारे को बीमारी का बहुत ज़्यादा खतरा भी हो रहा है और जिस वजह से ये रास्ता पूरा यहाँ पे बंद हो चुका है, लोगों के आने जाने का सारा रास्ता बंद हो चुका है। हमारे मार्केट में यहाँ से लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ सारा जितना भी कूड़ा है इसको देख ऐसा लग रहा है यहाँ से रास्ता ही बंद हो चुका है। हमारी दुकानों का भी काम नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग आने जाने में देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना कूड़ा है, इतना गंदा है, तो सोच रहे कि यहाँ रास्ता बंद ही है। जब इस विषय में यहाँ के पार्षद सुषमा कुठियाला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बाबत शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। आप पास मेरी नॉलेज में लाए हैं कि जो मलबा लोगों ने बोला है ऐसा है, जब जिस दिन आग लगी थी मैं वहाँ खुद मौजूद रही और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कॉरपोरेशन ने पानी जो भी था सब अरेंज किया और 3 दिन लगातार मैं वहाँ गाड़ियाँ भेजती रही, टिप्पर और टाटा मोबाइल, 3 दिन लगातार वो गाड़ियाँ मलबा उठाती रही। अगर आज कुछ और मलबा है जो आप मेरी नॉलेज में ला रहे हैं तो मैं कॉरपोरेशन में फ़ोन करूंगी और उनको बोलूंगी कि वो मलबा भी उठाया जाए। किसी भी शहर की पहचान उसके बस अड्डे से होती है जो कि वहाँ की शान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बस अड्डे पर गंदगी के अंबार व अव्यवस्थाओं के कारण बाहर से आने वाले लोगों पर खासा बुरा प्रभाव पड़ता है, खासकर बारिश के समय में परेशानी और भी बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं सोलन बस अड्डे की। किसी भी शहर की पहचान उसके बस अड्डे से होती है।
जो वहां की शान मानी जाती है, लेकिन बस अड्डे पर गंदगी के अंबार और अव्यवस्थाओं के कारण बाहर से आने वाले लोगों पर खासा बुरा प्रभाव पड़ता है। सोलन शहर का एकमात्र बस अड्डा जहां बाहर से आने वाले लोगों की बात तो छोड़ो, पर स्थानीय लोगों के लिए भी यहां कई सारी परेशानियां हैं। यहां पर यात्रियों के बैठने के स्थान पर एटीएम और क्लॉक रूम बनाए जाने से लोगों में खासी नाराजगी है। इन दिनों स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थानों में छुट्टियां होने के कारण कम लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन शिक्षण संस्थान खुलने के बाद यहां बस का इंतजार करने वालों की खासी भीड़ देखी जा सकती है। ऐसे में बैठने का उचित स्थान न होना खासी परेशानी का सबब बन सकती है, खासकर बारिश के समय में ये परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस अड्डे पर चारों ओर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। बस अड्डे पर शौचालय होने के बावजूद लोग बाहर ही गंदगी फैलाते हैं, जिसके कारण बीमारी का खतरा बना हुआ है। सबसे तो बैठने के लिए होना चाहिए, टॉयलेट भी ढंग का होना चाहिए। इतने सारे लोग रहते हैं ना टॉयलेट के बाहर खड़े हुए, तो प्रॉब्लम होती है लड़कियों को। कई बार ऐसा होता है भी अंदर भी आ जाते हैं सफाई करने के लिए, एकदम से आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब जो बेचारा जिसने बस की वेट करनी है उसको तो एक घंटा भर बैठ के बस की वेट करनी पड़ेगी खड़े होकर, बैठने की कहीं जगह है नहीं सुचारू रूप से, इसलिए रेन शेल्टर तो बड़ा ही जरूरी है। एक तो सफाई होनी चाहिए, लेडीज़ टॉयलेट में वैसे तो लेडीज़ ही होनी चाहिए, फिर ऐसे तो प्रॉब्लम होती है लेडीज़ वगैरह को। वही मौजूदा सफाई कर्मचारी ने बताया कि यहाँ पिछले एक साल से खराब बसें खड़ी होने के चलते लोगों ने यहाँ शौचालय बना लिया था। क्यों नहीं रहती है? महिलाओं तो नहीं है सर, महिलाओं नहीं लग सकते। क्यों? ये ठेकेदार बताएंगे ना इस बारे में, ठेकेदार बताएंगे इस बारे में। हम तो काम करने वाले वर्कर वो बिठा के गए हैं, अपने घर पर जा रखे हैं और जब आएंगे एक महीने के बाद। यहाँ पर शुरू से ही यहाँ पर पुरुष इन सभी मामलों पर क्षेत्रीय प्रबंधक डीके नारक ने कहा कि प्रदेश के सभी मुख्य बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए एटीएम मशीन लगाई जा रही है, इसके लिए स्थान उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही यहां क्लॉक रूम की कमी होने के कारण उसका भी निर्माण करवाया जा रहा है। जहां तक कि यात्रियों के बैठने की व्यवस्था का सवाल है तो उसके लिए दूसरी जगह प्रबंध किया जाएगा। एचआरटीसी का भी रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि वो दो स्टेजेस में ऑलमोस्ट एचआरटीसी के जितने भी बस स्टैंड्स हैं वहाँ एटीएम्स लगाएंगे ताकि बस स्टैंड पे लोगों को ये सुविधा मिल सके अपना पैसा निकालने की। तो इसी सिलसिले में यहाँ सोलन में भी हम लोग आईसीआईसी के लिए स्पेस दे रहे हैं 5x5 फीट का, तो एटीएम का हम कैबिन बना के देंगे उनको। बाकी यानी कैबिन का जितना भी काम है आईसीआईसी बैंक वाले अपने आप अपनी फिटिंग के हिसाब से वो खुद करेंगे। सोलन में यात्रियों की बड़े लंबे समय से डिमांड थी कि हमारे पास यहाँ क्लॉक रूम की सुविधा रही है, तो लोगों को जैसे भी कहीं बस से उतर के काफ़ी सामान है उनके साथ तो वो सामान रखने की जगह नहीं थी, तो हम लोग उसको एडिशनल एक लोगों की सुविधा के लिए जो एटीएम के साथ एक क्लॉक रूम बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन के इन दावों में कब तक अमल होगा, होगा भी या फिर अव्यवस्था ऐसे ही रहेगी। राजधानी शिमला के अधिकतर अस्पताल सालों का सफर तय कर चुके हैं। ज्यादातर लकड़ी से बने ये भवन आगजनी के लिहाज से भी संवेदनशील हैं, जिसको देखते हुए कमला नेहरू अस्पताल में अग्निशमन विभाग शिमला द्वारा एक विशेष कार्यशाला का आयोजन कर अस्पताल के अधिकारियों व कर्मचारियों को आग के कारणों व बचावों की विस्तृत जानकारी दी। आगजनी की घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए हिमाचल अग्निशमन विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न विभागों व कार्यालयों में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कमला नेहरू हॉस्पिटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया, जिन्हें आगजनी के कारणों के साथ साथ इसके बचाव के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए छोटा शिमला फायर स्टेशन के इंचार्ज धर्मचंद शर्मा ने बताया कि विभाग का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगजनी के प्रति जागरूक किया जाए ताकि कम से कम जानो माल का नुकसान हो। आज कमला नेहरू हॉस्पिटल के सभी एम्प्लॉइज, सर्जरी वाले हों, मेडिकल वाले, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड सिस्टर, मैटर्न्स और क्लास फोर्थ, इन सभी कर्मचारियों को आज फायर के बारे में पूरी जानकारी और कैसे हम जो है आग लगने की स्थिति में अपने आप को, अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कैसे जो है
किस स्थिति में बचा सकते हैं, उनको कैसे बाहर इवैक्यूएशन कर सकते हैं। और वैसे भी अगर हम घर में भी हैं तो अगर आग से हमें बचना हो तो जब तक हमें इसकी जानकारी ना हो, जैसे LPG है और दूसरे फ्लेमेबल जितने भी लिक्विड हैं, ऑयल हैं, इसमें हमने अगर आग लग जाए तो कैसे हम इनसे जो है बचा जा सकता है और कैसे हम इनको हैंडल कर सकते हैं, ये जानकारी अगर नहीं हो तो वो एक छोटी सी आग भी बहुत भयंकर आग बन जाती है, जिससे हमारा जान माल का नुकसान हो सकता है, इवन यहाँ तक कि जान को भी क्षति हो जाती है। गौरतलब है कि शिमला के तीनों मुख्य हॉस्पिटल की लकड़ी की इमारतें खासी पुरानी हैं, जिसके चलते आगजनी की घटना के लिए अति संवेदनशील भी है, जिसे देखते हुए इस तरह की कार्यशालाएं बेहद जरूरी हैं। न्यूज अलर्ट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।